ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय बात करता हूँ। नवरात्र, नवग्रह का बात हो और नवरात्र ना हो तो कहां से नवग्रह और कहां से नवरात्र। जो कोई भी आप मकरू कुंभ मीन शनि साढ़े साती से पीड़ित हैं, चाहे कर्क और वृश्चिक ढैया से, चाहे तुला पनौती से, देखिए कुछ राशि वालों के लिए अगला जो ट्रांजिट 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 है या गोचर है, कुछ हैवी प्रॉब्लम लेके आने वाला है और वो मुख्यतः मीन वृश्चिक। कुंभ मकर का उतना तो नहीं होगा, लेकिन बहुत लेट में दो तीन झटका मिलेंगे। और कुछ लोगों को छुटपुट झटका मिल भी रहा है, किसका नौकरी, किसका लवरा लवरी, ऐसे चल रहे हैं। लेकिन अभी आगे चल के जो सबसे सीवियर इफेक्ट होने वाला है वो साफ साफ दिख रहा है कि वृश्चिक के ऊपर और मीन, क्योंकि इनका ढैया साढ़े साती चल रहा है। कन्या के ऊपर होता लेकिन नहीं है साढ़े साती, ना ढैया ना पनौती, इसलिए उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। कर्क के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंटक चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु का भी दृष्टि आ जाएगा। तो नेचुरल दिख रहा है कि अगर वृश्चिक को 100% है तो मीन को 80%, तो कर्क को कुछ नहीं होने से भी 50%। तो ये जो फैक्ट बन रहा है और आगे चल के छोटा छोटा जो मंगल जैसे अभी आगे चल के फिर से शनि को दृष्टि देने लग जाएगा, तब कुंभ का प्रॉब्लम कुछ बढ़ेगा। तो ये जो अगला जो स्पेल है इसमें कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब स्थिति होगा इसलिए नवरात्र करो, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, वो तो होगा ही। लेकिन अगर इनका दशांतर दशा सुपोर्टिव रहे, कुंडली में ऐसे कोई दुर्योग नहीं है, या फिर है तो भी वो लोग शांति करा लिए हैं, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। कितनों का चलता है, कितने गोचर हो चुका है। लेकिन आफ्टर ग्रहण इफेक्ट एंड बिफोर ग्रहण इफेक्ट नेगेटिव भी पड़ेगा, पॉजिटिव भी पड़ेगा। एक तरह से चार चार देश में युद्ध छिड़ चुका है, उसके बैकअप में लोग निकल चुके हैं, आगे क्या होगा उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है। कुछ और देश भी इसमें अपना अपना चपेट में लेंगे। तो इस विश्व कल्याण के लिए भी नवरात्र करना है, ये भी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का भी है अपना कल्याण करने के लिए, अपने को उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए, अपना विकास करने के लिए। ऐसे टुच्चे जैसे जीना, कीड़े मकोड़े जैसे जीने से अच्छा है कि शेर सा जियो। मैं इस विषय में प्रवेश करूं उससे पहले 26 के होने के कारण ने मेरे सारे मित्र बंधु, जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, नया जो लोग जुड़े हैं, उन सबको नमस्कार, धन्यवाद, कृतज्ञता देते हुए, हमारे इस परिवार में स्वागत करते हुए, सभी मित्रों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं, कृतज्ञता देता हूं। और स्पेशली वो मुंबई की एक्ट्रान हीरोइन, एक बहुत अच्छा अदाकारा है, आज फोन करके 20 मिनट तक अनर्गल शब्द उड़िया है, प्रगल्भ, तारीफ करते करते थकी नहीं। तो आपका इस तारीफ के लिए, आपका इस प्रेरणा के लिए, आपको
नमन करता हूं यहां से। आप बोले कि मरने से पहले जरूर एक दिन आपको आके मिलूंगी। मरना क्या है, इतना इतना नेगेटिव क्यों है, बी पॉजिटिव। आप चाहो तो आज ही आ सकते हो, कोई बड़ा बात है। लेकिन इस 26 के यात्रा में आप सभी मुझे बहुत तारीफ किए, हौसला अफजाई किए, मार्गदर्शन दिए, रास्ता दिए, प्रेरणा का स्रोत दिए। एक एक शब्द तारीफ का आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं। बड़े बड़े महान लोग कुंडली दिखाए सरकारी स्तर पे, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और नेतागण, जो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मना किए हैं, और कोई बात नहीं, अच्छा बात है। आप लोग इतने श्रद्धा विश्वास भक्ति मेरे ऊपर रखते हो, तो इन सब का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये हीरोइनी है और कुंडली दिखाएगी। लेकिन दिन भर मेरे आए स्टाफ्स को परेशान करके रख दी कि एक शब्द खाली गुरुजी से सुनना चाहता हूं। कई बार बोला मैं गुरुजी नहीं हूं, आप जैसे आम आदमी हूं। रात को 10:30-11 बजे मेरा मेडिटेशन और सब खत्म होने के बाद 2 मिनट का समय लेके 20 मिनट तक केवल तारीफ ही तारीफ, चमत्कार गुरुजी, जूनियर्स गुरुजी, एंड ऐसा कोई बोला नहीं गुरुजी आपको कैसे पता कि शनि के 7:30 में मकरू वाले बाबाओं के पीछे दौड़ेंगे, आपको कैसे पता कि तंत्र मंत्र जंतर वालों के पास जाएंगे, आपको कैसे पता कि मकरू वाले टोना टोटका सीखेंगे, सीख रहे होंगे, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास गए होंगे और खुद ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते होंगे, आपको कैसे पता कि मोबाइल फूट जाएगा, आपको कैसे पता कि गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक गैजेट्स में आग लग जाएंगे, आपको कैसे पता कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको कैसे पता कि मकरू का पिताजी बीमार पड़ेंगे, आपको कैसे पता कि मेरे घर में चोरी होगा, आपको कैसे पता कि लोहा चोरी हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी मैं प्रेडिक्शन दिया हूं सारा रट ली है। 3-4 महीने से सारा रट के मेरे को फिर, और ये बोलती है कि मैं आज 5.5-6-7 साल से जो दुखी था, आपका एक वीडियो सुन के इतना प्रसन्न और आनंदित हो गया हूं कि क्या बताऊं। उनका बात मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मैं कभी उनको देखा नहीं और पहला बार बात हो रहा है, सेलिब्रिटी हैं और मैं इतना फिल्म विल्म देखता नहीं हूं। तो बाकी आगे चल के मैं आपको अनुरोध करूंगा, आप जरूर ये वीडियो देखोगे तो मेरा इस मोबाइल के माध्यम, इस चैनल के, इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो जो आप हमें तारीफ किए इंशाअल्लाह बोल के, मैं चाहूंगा कि यही अगर छोटा सा वीडियो बना के मेरे पास भेज दें तो बाकी लोग भी थोड़ा सुन सकें कि क्या क्या प्रेडिक्शन मेरा आप सभी मकरुओं के जीवन में हुआ। कईयों को बोला हूं, उसमें एक या दो व्यक्ति ही वीडियो भेजे हैं, बाकी लोग नहीं दिए हैं। ये थोड़ा सा खराब लग, दुख नहीं लगता है, खराब लगता है कि यार मोबाइल में तो इतना सारा तारीफ करते हैं, एक ऑडियो मैसेज या वीडियो तो दे दो ताकि बाकी लोग भी जान सके। नहीं, मेरे को जनाने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेचारे कुछ हैं। देखो, आप खुद बोल रही थी कि आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं था, और मेरा प्रोडक्शन सुनने के बाद आप एस्ट्रोलॉजी का भक्त बन गए। ये मेरा सफलता नहीं है, मेरे गुरु का, मेरे माता रानी का, मेरे माता पिता का, और ज्योतिष विज्ञान के जितने सारे महानतम गुरु हुए उनका है। हम तो निमित्त मात्र भव सभ्य साची, इसमें हमारा कोई घमंड या अहंकार नहीं है कि हम ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के उल्टा के पटक दिए, ना, कृपा है माई का। तो आगे भी ऐसे बहुत कुछ सुनने के लिए आएगा। आप ही मकरू मकरी मकरा लोग
तांत्रिक के पास नहीं गए, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस नहीं किए, बहुत सारे किए। कुछ लोग फेलियर हुए, कुछ लोग ग्रैंड सक्सेस हुए। आज के डेट में कुछ मकरू ऐसे इतने पावरफुल हैं कि क्या बताएं, उनको साढ़े साथी का कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है और आउट ऑफ साढ़े साथी हो चुके हैं। तो ऐसे भी मैं मकरू देखा हूं। कल ही एक से बात हुआ, बहुत बड़े काली माता के साधक हुए और मेरा वीडियो देखने के बाद इतना प्रेरित हुए कि क्या बताएं। और मोटा बंडल भी, हाँ बोला दक्षिणा, अला कुछ किया नहीं, क्यों ऐसे नहीं, खुश हूँ आपसे। बोलते हैं ना, हर दिल वो प्यार करे जो गाना गाएगा, सैकड़ों में वो जाना जाएगा। और बापूजी का बोलना है कि जब कोई प्यार करता है कैसे पता चलता है, वो देने लगता है, देता है। जब नफरत करता है, घृणा करता है, अहंकार करता है तो लूटता है। तो आपसे प्यार है तो दे रहा हूं, मेरा प्यार किसे तो जाहिर करूंगा इसलिए दे रहा हूं। फिलहाल इस लंबे सफर में आप सभी से बहुत सारे लोग बहुत कुछ गिफ्ट दिए हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है उन सब के बारे में वीडियो बनाने के लिए इन सब रेंज से। और लंबा वीडियो बनाने के लिए आप लोग मैक्सिमम लोग तागिद कर दिए हो मेरे को कि उतना लंबा नहीं बनाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा का देता था। और देखते हैं आगे, हम देते नहीं हैं, हम वीडियो बनाते नहीं हैं, हम बैठ जाते हैं उसके शरण में समर्पण करके, फिर वो जो निकलाता है, कभी कभी मस्ती में बनता है तो बनते ही जाते हैं, तो अपना मस्ती है, ध्यान है। जैसे अभी ड्रेस में है, पूजा करके हवन करके निकले, तो मेडिटेशन से निकले तो फिर उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। फिलहाल आप सभी नए सब्सक्राइबर्स, मित्र बंधुओं को पुनः स्वागत और आमंत्रण और धन्यवाद और कृतज्ञता देते हुए एक बात का एश्योरेंस आचार्य संजय दे रहा है, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए हर दिन यहाँ से हमारे पूजा में, हमारे जप में, हमारे सूर्यार्घ्य में, हमारे पितृतर्पण में, हमारे हर पूजा में आप सभी सब्सक्राइबर्स एंड फेसबुक के जितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक भी 20 जैविक कृषि एस्ट्रोलॉजी कृषि वो भी 24K पार कर चुका है और किसान डायरेक्टरी भी 5K पार कर चुका है फेसबुक का। संजय जी 75 फेसबुक में लिखिए और मेरे सारे पेज निकल जाएंगे, जैविक कृषि, किसान डायरेक्टरी, आध्यात्मिक गुरुकुल, एस्ट्रोलॉजी, संजय जी एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल संजय, तो वो भी निकल जाएगा, तो जिसमें यूट्यूब से पहले वीडियो मिल सकता है आपको। और आप सभी महानुभाव को कह दूं कि ये 26K होने के कारण और राहु अपना रास्ता गोचर परिवर्तन के कारण आने वाला समय में हो सकता है 500 वीडियो एक दिन में ही पब्लिश हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पुराने अनपब्लिश्ड वीडियो पड़े हुए हैं समय का अभाव के कारण और आप सबके तागिद के कारण। इतना वीडियो क्यों देते हो गुरुजी, 1-2 दिया करो, तो बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैं उन सबको अगर पब्लिश कर दूं तो कृपया बुरा ना माने, है ना, हम क्यों गुरु माने गुरु जी, है ना, आप मानोगे नहीं, लेकिन कुछ लोग तो पड़े हैं ना समझाने के लिए मेरे को, इतना क्यों, तो क्या करें, खत्म हो रहा है टाइम, अब उसको पब्लिश करना पड़ेगा, तो वो सारे को एक साथ कर देंगे, ऐसा प्लानिंग रखें, बाकी देखते हैं। तो चलिए हम लोग इतना एश्योरेंस देते हैं कि माता रानी को ये प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो रेगुलर सुनने वालों को मेरा माँ का आशीर्वाद, इस पंडित का आशीर्वाद, इस साधक का आशीर्वाद, ये त्रिसंध्या गायत्री करने वाला, चंडी पाठ करने वाला पंडित का आशीर्वाद,
सदा है, आपको चिंता नहीं करना है। मैं गुरुजी तो नहीं हूं, लेकिन गुरुजी का कर्तव्य क्या जानते हो? सभी से शिष्य के लिए भिड़ जाना। गुरुजी तभी शांति में सोता है जब उसके चेले शांति में सोते हैं। तो आप सबके लिए चिंतित हैं, आप सबका कल्याण के लिए कोई एक बैठ के प्रार्थना कर रहा है और करता रहेगा, इस विश्वास, इस भरोसा के साथ। क्योंकि आज देख रहा था कि समथिंग सम अबव देन सम लाख्स, यू नो, 8, 9, 10 व्यूअर्स, एक वीडियो मेरा 1.5 लाख भी हो चुका है। कोई छोटा बात मेरे लिए नहीं है, बड़ा बात है। हम जैसे एक गांव, ग्रामीण क्षेत्र से, एक सिंपल क्षेत्र से, सोचो कोई तामझाम नहीं है, बस ऐसे ही बैठ के बनाने वाले, बाकी लोग कितने क्या कर रहे हैं। तो उसमें भी आप सबका सब्सक्राइब मिलना बड़ा बात है, और इतने लाखों में से अगर 26K हो रहा है तो आप सच में जौहरी हो जो सोना को पहचानते हो। और इस प्रोत्साहन के लिए जो मेरे से बुजुर्ग हैं, आपके श्री चरण में नमन, और जो मेरे समस्कंद हैं और नीचे हैं, श्रद्धा और ढेर सारे धन्यवाद और आशीष। नवरात्र प्लीज करिए, नवरात्र बहुत जरूरी है। मेरा जिंदगी का नवरात्र शुरू होता है 1981 फर्स्ट, छोटा सा था, पंडित का घर का बच्चा था। मेरे उम्र के समय बच्चे लोग कोई नहीं जाते थे नवरात्र करने, ग्रामीण क्षेत्र में थे, गांव वाले करते थे, मैं भी जाता था। लेकिन हमारा वंश परंपरा जो कुलदेवी और इष्ट देवी का है, वो तो बहुत बड़ा पीठ है, तो इसलिए। लेकिन धीरे 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 इसमें जब बड़ा प्रगाढ़ मतलब मजबूती मिलने लगा, तो समझ में आया कि हर नवरात्र समापन के बाद देखता हूं कि जीवन में कुछ स्पेशल, नोबल अवार्ड, रिवार्ड, बोनस माता रानी मुझे देती है। फिर सोचा, यार मुझे ही देती है, बाकी लोगों को देती है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च किया। जो लोग नियम निष्ठा काष्ठा के साथ नवरात्र करते हैं अप टू काली पूजा तक, ये मेरा चैलेंज है, मेरे माँ के तरफ से मैं कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको कुछ नहीं मिलके नहीं मिल रहेगा। ये सही है कि आपके ग्रहरिष्ट खंडन होते हैं, आपके पाप ताप खंडन होते हैं, आपके जितने सारे कलुष कलमस नेगेटिव एनर्जी है, जितने सारे ग्रह जनित नेगेटिव एनर्जी हैं, उनको खंडित करने में कभी कभार 1, 2, 3 नवरात्र डिले हो जाता है। लेकिन जो रेगुलर नवरात्र कर रहे हैं, सही विधान से कर रहे हैं, नियम निष्ठा काष्ठा पवित्रता को मेंटेन करते हुए, फुल SOP एंड SMP को मानते हुए, हर नवरात्र एक स्पेशल गिफ्ट। पाप ताप तो नाश होता है, उसके ऊपर बोनस और रिवार्ड मिलता है, अनुभव से कह रहा हूं। मैं इस बार बहुत ज्यादा नवरात्र के बारे में नहीं बोल दे पाया वीडियो, ये इसको एक ही समझ लीजिए, और मैं कोशिश यही करता हूं कि साल का चारों का चार नवरात्र करूं, और करता हूं। मैं आपको चार तो नहीं बोल रहा, लेकिन ये 2 नवरात्र तो सर्वविदित तो करना चाहिए। अपने शक्ति मुताबिक करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो नवरात्र का जो परिस्थिति है, ये हर एक भक्त के लिए, हर एक माता रानी का भक्त के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के साथ चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सोचिए कोई उपवास नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, नवरात्र करो ना। देखो, नवरात्र ही तो एक चीज है जो खा पी के भी कर सकते, नया साधक है, नहीं उपवास रह सकता, कोई बात नहीं। नहीं हुआ तो अरुआ खा के, अरुआ हम लोग का उड़िया में बोलते हैं, सफेद चावल का एक उसना होता है, एक अरुआ होता है, या फिर YouTube में देख लीजिए, बहुत सारे आप लोगों की तरफ बनता है खाना पीना, गुट्टू मुट्टू
सिंगाड़ा आटा ये सारे नौटंकी करते रहते हो, करो ना। अब माता रानी का नवरात्र है, वो कई प्रकार के पकवान बना के करते हैं, तो एंजॉय करके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नवरात्र करिए। 9 दिन का अखंड दीप जलाइए, घट स्थापना करिए, संभव हो तो हवन कराइए, चंडी पाठ कराइए। ये मैं करता हूं तभी कह रहा हूं। आपको जितना सक्षमता है, काम वाले हो, नौकरी पेशा वाले हो, समय नहीं होता, कोई बात नहीं, अखंड दीप नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई बात। हर दिन जब माता रानी के पास बैठोगे, दीप जलाओ। जो नया साधक है, कोई पाठ मंत्र जप करने के लिए नहीं बोला, माता रानी का फोटो रख लो, दिया रख लो, बस बैठ जाओ माँ के पास, सुनाओ ना अपना दुख, सुनाओ, देखो ठीक हो जाए। चैलेंज, ओपन चैलेंज, क्या तुम्हारा 7.5 और क्या ढैया और क्या कंटक और क्या पनौती, कहाँ कहाँ भागेंगे ये सारे कष्ट, क्या बताए। खाली भागेंगे नहीं, जीवन के पग पग पर उन्नति खड़ा रहेगा, अनुभव के साथ, डंके के चोट के ऊपर। आचार्य संजय कह रहा है, मजाक नहीं है, करके देखो। और कम से कम साल का 4 नवरात्र, 12 चौके 36 नवरात्र, 36 नवरात्र जिस दिन कर लोगे ना, तुम्हारे सामने किसी का मजाल नहीं है कि कोई बाधा आ जाए कार्मिक लेवल पे, और तुम गरीब रहो। और ये मेरा चैलेंज है कि किसी का, देखो शादी वगैरह का जो समस्या होता है ना, लड़की का डिले मैरिज, कभी कभी एक साढ़े एक नवरात्र में नहीं होता, दूसरा में नहीं होता है, लेकिन तीसरा के बाद तो हो ही जाता है, लेकिन बशर्ते उसको उस नवरात्र को इन्वॉल्व होके करना है। बहुत से लोग हमारे पास तेल घी दिया इत्यादि पैसा भेज देते हैं कि हमारे लिए कर दीजिए, संकल्प कर दीजिए, दिया बैठा दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन तब पर भी मैं उनको बोलता हूं, मैं तो यहां कर रहा हूं, लेकिन तुमको भी उधर उस समय जब मेरा यहां जप चलेगा, हवन चलेगा, बैठोगे। हमारा यहां तो 9 दिन तक हवन चलता है भी ये मोटे मोटे 9 दिन तक अखंड अग्नि चलेगा, चलते रहता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग विगत नवरात्र में भी यहां तो हम लोगों का चलता है, बहुत सारे लोग आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर आओ, ओवरलोड भीड़ हो जाता है। इस नवरात्र में जमीन पे सोना, केला का पत्ता में सो सकते हो, या फिर नीचे सोना, खटिया में नहीं सोना है। और सबसे मुख्य चीज नवरात्र में, कितना जप कर सकते हो और हवन, पंडित अच्छा मिल जाए तो चंडी पाठ करा लेना। टारगेट 9 दिन में 27,000, तो दिन का 3,000 पड़ रहा है। बिना गुरु दीक्षा का मंत्र का उतना वैल्यू नहीं रहता है, किसी से भी गुरु दीक्षा ले लो और जाप करिए। जप में नीचे बढ़िया लाल वाला आसन बिछाइए, माला रुद्राक्ष का हो, आगे दिया जलाइए, आचमनी पात्र रखिए, संकल्प के साथ, पुण्या वाचन के साथ करिए। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा फेसबुक यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत सारे लोग वीडियो छोड़े हैं, उसके अनुसार आचमन करके, पवित्रीकरण करके, अपने ऊपर पानी सींच के, दिग्बंधन इत्यादि करके, और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्या जानते हो, पाप पुरुष शुद्धि, वाम कुक्ष स्थितम पापम पुरुषलक कजलक प्रदम, ये जरूर करना। अदरवाइज आप मंत्र करते हो ना, ये पाप पुरुष निकल जाता है, वो आपको मिलता नहीं। और मंत्र जाप खत्म होने के बाद 2 बूंदा 3 बूंदा नीचे पानी में रख के इंद्रदेव का नाम करना, क्योंकि वो भी ले जाता है। ये दोनों बैठे हैं इधर, ये पाप पुरुष और इंद्रदेव। अच्छा, इंद्रदेव है या नहीं, पाप पुरुष है या नहीं, कोई नहीं देखा है, लेकिन ये एनर्जी जिसको आप एकोमुलेट करते हो, बॉडी उसको कवर नहीं कर पाता है, रिसीव
होल्ड ग्रैप्स ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इसलिए आखिरी में 3 बूंदा पानी डाल के आंख में 2 बूंदा डाल दिया जाता है, क्योंकि एनर्जी यहीं से आंख से ही रिलीज होता है या आकर्षित होता है। ये साइंटिफिक पार्ट है। ये पाप पुरुष बाम कुक्षस्थितम पापम, ये पाप पुरुष बाम कंधा में बैठा नहीं बैठा अलग बात है, लेकिन जब प्रारंभ करते हो तो लेफ्ट हेमस्फीयर एंड राइट हेमस्फीयर को एक्टिवेशन, बाएं तरफ हाथ को ऐसा करके आप उसे प्रार्थना करते हो, दैट नेगेटिव माइंड सेटअप, दैट इज कॉल्ड पाप पुरुष हु सप्लाई यू द नेगेटिव थॉट्स अगेन एंड अगेन इन टू योर माइंड एंड यू जस्ट नॉट एबल टू सिट इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन लॉन्ग टाइम इंग्लिश। तो इस कंडीशन को बाहर निकलने के लिए कि आप ज्यादा देर तक बैठ सको और शांतिपूर्वक कर सको, इस नवरात्र में भण में जाए दुनिया, माँ के पास रहो। माँ बहुत खुश होती है। माँ नहीं कह रही कि पकवान ला, लड्डू ला, बतासे ला, गुड्डू का चना का गुट्टू और का ला, नहीं। माँ तो केवल माँ बोल देने से खुश हो जाती है। एक बूढ़ी औरत एक बार ज्ञान दी हमारे मेरे गांव के गुरुकुल में, जंगल वाला गुरुकुल में। रोते रोते आई, बोला कुछ कर दो पंडित जी। बोला क्या हुआ? बहुत दुखी। बोला किस बात का? मैं बच्चों को, उसका पति मर गया था, बोला दूध पिला के, भीख मांग के, बासन मांझ के इनको बढ़ाई, आज शादी हो गया ना, अपने बीबी और बच्चों में इतना मशगूल है कि मुझे भूल गए हैं, और मेरे आंख से धर धर आंसू आ रहे हैं, कहीं मेरा आंसू इनके ऊपर ना गिर जाए, मेरे ही बच्चे हैं। क्या चाहते हो? पैसा पत्थर बोल दो, मेरे से ले ले, काहे उनको? बोला कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कमी कुछ नहीं है, गरीब है और बोलती है कुछ कमी नहीं है, छीटा फूटा पहनी हुई है। बस एक बार मेरा कान तरस गया कि एक बार माँ सुन ले, माँ सुन लेता हूं तो हृदय छूट जाता है। एक माँ का हृदय का पीड़ा है। ऐसे ही मेरा माँ नवदुर्गा, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, माँ काली, ये तरस गई है आप सबके मां सुनने के लिए, आपके मुंह से मां सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब नॉर्थ इंडियंस दिल्ली वाले जय माता दी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार माँ बगलापीठ में मैं खड़ा था तो कोई पंजाब से आया था। बगलापीठ में रूल क्या है, पीताम्बरा पीठ दतिया में एकदम साइलेंस, तो वहां चिल्लाए लोग रुक, बोला रहे भक्त हो क्यों रोक रहे हो, लेकिन वहां का नियम है, तंत्र पीठ है, साइलेंस, अंदर से पुकार लो, 9 दिन पुकारो। नवरात्र मीन्स प्रकृति, नेचर, लॉ ऑफ नेचर। और मेरे प्यारे मकरू वाले, अगर आगे चल के सच में कुछ करना है, उन्नति चाहते हो, विकास चाहते हो, रिकवरी ऑफ मनी चाहते हो, रोग रिपोरण से मुक्ति चाहते हो, कष्ट पीड़ा दुख से मुक्ति चाहते हो, गुप्त शत्रु से पस्त हो तो मुक्ति चाहते हो, जिन लड़कियों का अभी भी ओवर एज अनमैरिड शादी नहीं हो पा रहा है, मेरा चैलेंज है ये नवरात्र अप टू काली पूजा करके देख लो। लेकिन तुम बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है और कहां से करेंगे, तो भुगतोगे इसके सिवा और कुछ नहीं है। और ये नव रात्रि, नव दुर्गा, नव ग्रह बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। नवान्न मंत्र के एक एक अक्षर एक एक ग्रह के साथ, एक एक नव दुर्गा के गायत्री और मां नवग्रह के गायत्री के साथ, बड़ा सामंजस्य। लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो एक्सप्लेन कर देता एक एक पॉइंट। और करके देखो, 9 दिन के बाद अगर कुछ नहीं मिल जाए मेरे को बोलना, गारंटी चैलेंज हर प्रकार का अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। जो चाहते हो माता रानी दे देती है। इस नवरात्र के समय दिया जलाते समय योग निद्रा जरूर करना, मैं करता हूं। योग निद्रा चंडी पुस्तक में कई बार आता है, देख लेना। और योग निद्रा का मेरे कम्युनिटी में, ये यूट्यूब कम्युनिटी में दे दिया हूँ, कितने बड़े बड़े शिविर करते हैं हम लोग,
हजारों के लोगों को एक साथ योग निद्रा कराते हैं। तो इससे आगे जो दुर्गा माँ दुर्गा और माँ काली के बारे में और ज्यादा वीडियो का जानकारी है तो मेरा चैनल संजय G75 माँ दुर्गा काली तंत्र गुरुकुल चैनल पे जा सकते हैं, और ज्यादा डिटेल उसमें मिल जाएगा। यूट्यूब में संजय G75 लिखिए, राइट सर्च कर दीजिए, ऊपर में तीन बिंदु होगा दबाइए, फिल्टर निकलेगा फिल्टर को दबाइए, एक ऑल करके पैसेज निकलेगा बीच में ऑल लिखेगा ऑल को दबाइए, उसमें चैनल जाइए, नीचे अप्लाई कर दीजिए। ये जो संजय G75 लिखेंगे ना उसमें डबल क्लिक डबल स्पेस रहेगा, संजय डबल स्पेस कैपिटल G75, एक साथ मेरे 52 चैनल्स निकल जाएंगे, उसमें देखेंगे माँ दुर्गा माँ काली और तंत्र गुरुकुल का चैनल रहेगा, नवरात्र के ऊपर माँ काली के ऊपर काली महापुराण के ऊपर बहुत सारे वीडियो छोटे छोटे मिल जाएंगे। और आगे जो नवरात्र में मेरा डायरेक्ट वीडियोस रहेंगे उस चैनल पे ही ज्यादा अपलोड होगा, ये ज्योतिष चैनल में वो सब उतना नहीं रहेगा, कुछ कम रहेंगे। तो चलिए इस 26 के में पुनः एक बार सबको धन्यवाद नमस्कार देते हुए नवरात्र का शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा अनुरोध है अपने अपने घर में नवरात्र करें, अखंड दीप जलाएं, बहुत कुछ मिलता है सर, बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, कईयों का शादी हमने करा दिया, कईयों का, इसका ये गलत अर्थ नहीं निकालना कि आपके पास पैसा भेज देंगे कर दीजिए मेरे बेटी का शादी हो जाएगा, एकदम नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं समझना, इनडायरेक्टली पैसा मांग रहे हैं, एक दो तो बोल दिया था उस दिन से एकदम बंद, नो, आप करो पाओ, ये नवरात्र का फल है। दुखी लड़की लोगों को देखता हूं, उम्र हो गया शादी नहीं हो पा रहा है, करो, एक में नहीं होगा दो में नहीं होगा तीन में, माँ सुनती है, कलौ चंडी विनायक, कलयुग में अगर जब सब फेल हो जाते हैं तो चंडी ही बचाती है। धन्यवाद, नमस्कार।